सब्सक्राइब कीजिए धे आईएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। यह शैली भारतीय मंदिर निर्माण की तीन प्रमुख शैलियों में से एक है। इस शैली का सर्वाधिक विकास दक्कन क्षेत्र में हुआ। मध्य भारत में विंध्य क्षेत्र से लेकर कृष्णा नदी के बीच में बसे ये मंदिर अपनी अद्भुत कलाकृतियों के लिए जाने जाते हैं। अपनी अद्भुत बनावट के कारण ये मंदिर हमेशा से ही इतिहासकारों के बीच में चर्चा का विषय बने रहते हैं। अलग अलग इतिहासकार इन्हें अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कुछ इतिहासकार इन्हें वेसर शैली के मंदिर तो कुछ बादामी चालुक्य शैली तथा कुछ होयसला शैली के मंदिरों के नाम से भी संबोधित करते हैं। इतिहासकार इस शैली को मिश्रित शैली या हाइब्रिड स्टाइल के नाम से भी पुकारते हैं। इन मंदिरों का निर्माण द्रविड़ शैली व नागर शैली दोनों के मिश्रण से हुआ। हमारे आज के आर्ट एंड कल्चर सेक्शन के इस वीडियो में हम वेसर शैली तथा इनके कुछ प्रमुख मंदिरों के बारे में चर्चा करेंगे। वेसर शैली का विकास का श्रेय मुख्यतया चालुक्य व होयसला शासकों को जाता है। चालुक्य शासकों ने उत्तर भारत व दक्षिण भारत के मंदिरों की खास विशेषताओं को मिलाकर एक अलग पहचान वाली तीसरी कला का विकास करवाया। वेसर शैली में शिखर को नागर शैली की तरह तथा मंडप को द्रविड़ शैली के अनुसार बनाया जाता है और इन दोनों को अंतराल के द्वारा जोड़ दिया जाता है। इसी कलाकृति को आगे बढ़ाते हुए होयसला शासकों ने इस शैली में कई सारे परिवर्तन भी करवाए। वेसर शैली के मंदिर मुलायम व कठोर पत्थरों के मिश्रण से बने होते हैं, जिसके कारण इनमें नक्काशी का कार्य बड़ी ही सावधानी से किया जाता है। नागर और द्रविड़ शैली की तुलना में इन मंदिरों की ऊंचाई अपेक्षाकृत कम होती है। इन मंदिरों का निर्माण 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में शुरू हुआ, जो कि 12वीं शताब्दी तक चलता रहा। वेसर शैली के प्रमुख मंदिरों में ऐहोल का लदखान मंदिर, वेलूर का द्वार समुद्र मंदिर, सोमनाथपुरम का मंदिर, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर आदि प्रमुख हैं। कर्नाटक के पट्टा दक्कल के मंदिरों को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया है। वेसर शैली के कुछ मंदिर खराब रखरखाव व देखरेख के कारण अपनी चमक खो चुके हैं व कुछ इनमें से क्षतिग्रस्त भी हो चुके हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया व संबंधित सरकारों के प्रयास से अब इनको पुनः जीवंत किया जा रहा है। हजारों वर्षों का इतिहास अपने आप में संजोए ये मंदिर बहुत सारे शासकों व राजाओं के गवाह भी रहे हैं। प्राचीन भारत के ये अद्भुत नमूने आज भी पर्यटन का प्रमुख केंद्र हैं। सिर्फ देश के ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटकों का भी मन मोह लेने की क्षमता आज भी इन मंदिरों में जीवंत है। यही कारण है कि इन मंदिरों की वजह से आज भी हजारों लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी रोजी रोटी भी चलती है। इन्हीं मंदिरों में से एक है कर्नाटक का लदखान मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है और अपनी चपटी छत के लिए प्रसिद्ध है। यह अपनी तरह का इकलौता ऐसा मंदिर है जिसकी आकृति लकड़ी के मंदिर की तरह प्रतीत होती है। वेसर शैली के इन मंदिरों व प्राचीन धरोहरों की रखरखाव के लिए सरकार अब PPP प्रोजेक्ट यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट पर भी कार्य कर रही है।